हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग पॉलिटी सेशन। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा शेड्यूल। तो हम पॉलिटी की जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें आज हम शेड्यूल की बात करेंगे। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं, इसको कहते हैं अनुसूची। आप शेड्यूल्स कर लेंगे, अनुसूचियाँ कहते हैं इसको। पहले हम हर बार की तरह इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे, कहाँ से लिया गया है उसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ शेड्यूल की बात करेंगे और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है और इसको कैसे डिवाइड किया गया, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें। बैकग्राउंड से पहले एक बार हर बार की तरह फिर से मैं बता दूँ, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जो 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार होता है, उसमें जो आर्टिकल है इनको मैं 8 से डिनोट करूंगा, शेड्यूल को एस सी एस से और पार्ट को पी आर टी से। ये उस टाइम का और ये नाउ, एक शॉर्ट इंट्रो मैं आपको दे दे रहा हूँ। उस टाइम आर्टिकल जब बना तो 395, शेड्यूल उस टाइम थे 8, पार्ट 22। ये तो आपने बुक में देखा होगा। जो आज की कंडीशन है, आज की सिचुएशन में नाउ ये कितने हो गए हैं बढ़ के 470। इसको आप प्लस कर लेंगे, आपको जानने में आसानी होगी। शेड्यूल जो है बढ़ के वो हो गए हैं 12 और पार्ट है वो जो बढ़ के हो गए हैं 25। जब इसमें डिटेल वे में हम बात करेंगे तो ये 395 का मतलब 396 नहीं आया है, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। हमें जो इसका फंडामेंटल जो आर्टिकल्स हैं उनकी मर्यादा को बनाए रखना था। हमने क्या किया, हमने एक नई सोच दी और हमने सबके सब क्लॉज निकाल दिए। जैसे फॉर एग्जांपल 21 है, आर्टिकल 21, तो इसका हमने 21A निकाल दिया। ऐसे ही जिसमें 48 पर्यावरण का है 48A कर दिया, कहीं बी कहीं सी डी। जब हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात करते हैं तब 470 होता है। कहीं कहीं आपको पुरानी बुक्स अगर कहीं पढ़े होंगे, अगर आपके पास होगी तो उसमें 448 प्लस होगा, किसी किसी में 445 प्लस होगा। जो अभी करेंट में है वो 468 है, लेकिन आप 470 राउंड फिगर में आप याद रखने के लिए रख लिख सकते हैं। और लेकिन आज हमारी बात तो होने वाली है शेड्यूल की, तो जब हम आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे आप में आपको इसमें से ऐसी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो छूटेगी, सब का नंबर आएगा। पहले आज शेड्यूल पे बात होगी। तो पहले मैं बता दूँ ये शेड्यूल कहाँ से आया है। आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो एक्ट है ये 1935 का है। इस एक्ट जब ये एक्ट बना तो उस टाइम इस एक्ट को आर्टिकल और शेड्यूल में डिवाइड किया गया था। तो उस टाइम जो शेड्यूल था वो 10 था शेड्यूल। इसी शेड्यूल से ये प्रभावित है, इफेक्टेड है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1935 ये अंग्रेजों ने बनाया था, ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसको मैं और डिटेल वे में आप पढ़े होंगे और आपको क्लासेस में पढ़ाया गया होगा, पिछली क्लासेस में मैंने बताया होगा आपको। अब मैं बात करता हूँ, शेड्यूल 8 था, पहले 10 से 8 लिया गया, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट में ये 12 हैं, इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। फिर बात आती है शेड्यूल है क्या। तो शेड्यूल को इट इज ए शॉर्ट नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो शेड्यूल है वो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसका शॉर्ट नोट है। अब शॉर्ट नोट का मतलब मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट नोट क्या होता है, शॉर्ट नोट का मतलब है कि हम उसको बहुत ही कम जगह पे उसकी जो सेलिएंट फीचर्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें थोड़ा सा हम गेस कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन की, इट इज़ ए शॉर्ट नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अनुसूचियाँ कहते हैं। वैसे शेड्यूल का मतलब समय सारणी भी होता है, आपको अगर इसका जो शुद्ध हिंदी होता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है अपने एग्ज़ाम के। ये बैकग्राउंड था इसका, जिसकी मैंने यहाँ पे चर्चा की बैकग्राउंड की। अब हम बात करेंगे आपको कि नंबर ऑफ, हमें प्रेजेंट में 12
शेड्यूल्स पढ़ने हैं, 12 स्टार्टिंग एक से होती है, टोटल आप लिख लेंगे, टोटल 12 स्टार्टिंग होगी। आप घबराएंगे नहीं, इसको याद करने का भी ट्रिक मैं बताऊंगा, पहले आप इसको देख लें। टोटल 12 है, 12 में जो आर्टिकल शेड्यूल जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट शेड्यूल वो बात करता है हमारी टेरिटरी, टेरिटरी स्टेट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, राज्य एवं उसके सीमा क्षेत्र, ये बात करता है, सिंपली है, बहुत सिंपल है। इसमें इसमें ये बात की गई है कि कितने स्टेट हैं, यहाँ पे हम जानेंगे कि वर्तमान में हमारे कितने स्टेट हैं, उनकी सीमाएं कैसी हैं, कैसे बांटा गया, किस आधार पे बांटा गया है। जैसे कि एक आपको जनरल आइडिया मैं देता हूँ, कभी कभी जब सीमाओं का बंटवारा होता है, नए राज्य बनाए जाते हैं, तो वो यूजली 2-3 चीज़ों के बेसिस पे बनाए जाते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एक होता है जैसे मान लीजिए कोई नदी ऐसे क्रॉस कर रही है, तो इधर का क्षेत्र किसी और स्टेट को दे दिया गया है, इधर किसी और को, फर्स्ट। सेकेंड ये होता है कि मान लीजिए कोई पहाड़ है, तो पहाड़ के साथ ही किसी को दे दिया गया, और पहाड़ के इधर का जो क्षेत्र है मान लीजिए लेफ्ट राइट जो भी, तो वो किसी और को है। और क्या होता है कि एक और चीज़ आती है, जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, जब ईस्ट पाकिस्तान बना, तो उस टाइम जो पुलिस स्टेशन थे, पुलिस स्टेशंस, उनके बेस पे किया गया कि कुछ पुलिस स्टेशंस के जो क्षेत्र आते हैं वो इंडिया में चले जाएंगे और कुछ बांग्लादेश में चले जाएंगे। ये एक मैंने आपको जनरल आइडिया दिया। तो इसमें जो शेड्यूल फर्स्ट में यही डिफाइन किया गया है कि हमारे देश में, हम भारत देश में कितने राज्य हैं, उनकी सीमाएं क्षेत्र निर्धारित कैसे की गई हैं, कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत सिंपल, इससे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि शेड्यूल, और इसका जो जिक्र है वो आर्टिकल, आप इसको नोट कर लेंगे, आर्टिकल 1 से 5 में है कि हमारा जो देश है, भारत देश है, वो राज्यों का संघ है। मैं आपको जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स में क्या अंतर है। ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, तो मैं आपको जब वो पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, और संयुक्त राज्य, इन दोनों में क्या अंतर है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, डिटेल वे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप ये जो फर्स्ट है शेड्यूल, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें बस राज्य और उसके सीमा क्षेत्रों की बात कही गई है। दूसरा शेड्यूल जो है वो बात करता है सैलरी की, किसके सैलरी की, वो हमारे आपके सैलरी या किसी गवर्नमेंट जॉब की सैलरी की बात नहीं करता है। जो सर्वे सर्वा है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के, हमारे जो वर्तमान में सर्वे सर्वा सबसे बड़े नेता आप कह सकते हैं, शासक कह सकते हैं, जो भी कहिए, गवर्न जो हम पे कर रहे, उनके सैलरी की बात की गई है। इसको कहीं कहीं एम्ल्यूमेंट्स भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको अलाउंस करके भी मिल जाएगा। जब मैं आपको ट्रिक पढ़ाऊंगा कैसे याद करना है तो उसमें मैं बताऊंगा सैलरी में किसकी बात की गई है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर आ जाती है बात गवर्नर, फिर आएगी स्पीकर, या यहाँ पे डिप्यूटी स्पीकर, फिर आएगी एमएलए, एमपीज एंड एमएलए। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे हम कुछ चीज़ें, मैं आपको इसमें बता देता हूँ, फिर मैं इरेज करके बताऊँगा। तो प्रेसिडेंट की जो सैलरी है, इसमें सारे पदाधिकारियों की, बड़े अधिकारियों की हमारे भारत देश में, उनके सैलरी के बारे में दिया गया है, ये आपको आइडिया लग गया होगा। तो इनकी सैलरी कितनी है, तो पहले भी मैं बता दिया हूँ कि ये बेसिक पे इनकी बताई जाती है, इसमें इनको अलाउंस ऐड करके, जैसे मैं आपको बताऊँ फॉर एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आएगा, जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी है 5 लाख, ऐसा नहीं है कि उनको पर मंथ 5 लाख रुपए उनके अकाउंट में चला गया, नहीं,
इसके साथ ढेर सारे अलाउंस TA DA और बाकी इनकी जितनी भी अदर फैसिलिटीज़ हैं उनको जोड़ के इनको पैसे मिलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को कितना मिलता है? वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है 4 लाख। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, वो मैं अभी आपको बता दूं, कुछ लोग अगर पढ़े होंगे पॉलिटी तो बोलेंगे कि सर आपने डायरेक्टली बोल दिया। इनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए पैसा नहीं मिलता है, ये साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट साथ राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, इसलिए इनको इतना मिलता है। जैसे कहीं कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा के चेयरमैन की वजह से इनको 4 लाख रुपये पेमेंट है, इनका सैलरी है, इनकी अलाउंस है इनका। वाइस प्रेसिडेंट के पद पे जैसे इनका दो नाम है एक तरह से जानिए, जब मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तब आपको उसमें और डिटेल वे में बताऊंगा, आज मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको देके जा रहा हूं। गवर्नर जो है, गवर्नर की जो सैलरी होगी वो 3.5 लाख होगी, ठीक। वहीं जब हम बात करते हैं स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की तो लगभग 3 से, आप यहाँ पर राउंड फिगर ऐसे कर सकते हैं कि 2.8 से 3 लाख। अब इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं पूरा फिर से बताऊं आपको जो बाकी नीचे की चीज़ें बची हैं। अब हम अभी शेड्यूल सेकंड की बात कर रहे हैं, उसमें जैसे कि अभी हमने प्रेसिडेंट का देखा था, अब हम बात करेंगे MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, हाई कोर्ट, आप पहले सुप्रीम कोर्ट को देंगे, एक वरीयता क्रम है, एक प्रेफरेंस है, या वो ऐसे तो ये इनके ऊपर आते हैं लेकिन आप बस जनरली जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, जो MPs की सैलरी है वो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक है, ये इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। MLA जो होता है, इसी को विधायक कहते हैं, इसको सांसद कहते हैं, आप लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें और भी अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी, हो सकता है आप अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो नया हो, समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आएँ, लेकिन वो धीरे धीरे जब क्लासेज हमारी कंटिन्यू होंगी, आप पॉलिटी के पूरा सेशन लास्ट तक देखेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो MP 2 लाख, 2.5 कम ज़्यादा है। फिर MLA जो है, MLA जो होता है विधायक होता है, तो हर राज्य में विधायकों की संख्या अलग है और हर राज्य में उसी तरह सैलरी भी इनकी अलग है। तो सबसे कम, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, 20,000 से लेकर 2.5 लाख तक इनकी सैलरी। आप बोलेंगे सर ये क्या है, मैं आपको बता दूँ, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा जैसे कुछ ऐसे जगहों पे, मेघालय जैसे जगहों पे सबसे कम सैलरी मिलती है वहाँ के विधायक को, तो वो 20,000, 25,000, 30,000। सबसे ज़्यादा जो है वो तेलंगाना के विधायकों को मिलती है, तेलंगाना के MLA को मिलती है। तो इससे क्वेश्चन रेज हो सकता है, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लेंगे, अगर मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा तो मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा। फिर बात आती है जजेस की, तो ये जजेस में राउंड फिगर में आप याद करिएगा, जब हम पढ़ेंगे जजेस के बारे में तो उसमें इनकी एग्जैक्ट बता देंगे, अभी अब बस एक राउंड फिगर जो है इनका 2.5 लाख है। इसी में वो भी आ जाते हैं CAG, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, तो ये लगभग सबकी 2.8 लाख है। इसी में जैसे ये सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं तो एक CJI या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी भी लगभग 2.8 लाख है। तो ये हमारी बात थी शेड्यूल सेकेंड में, दूसरे शेड्यूल में सैलरी की बात। अब हम थर्ड जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनके ओथ की बात। ओथ क्या होता है, जिसका हिंदी में मीनिंग है शपथ। वो आ जाएगा शेड्यूल थर्ड, यहां पे लिखेंगे ओथ एंड अफर्मेशन। हो सकता है आपने ये वर्ड सुना होगा ओथ, जिसको शपथ कहते हैं,
लेकिन ये नहीं सुना होगा, अगर सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसको हिंदी में जो वर्ड है वो है प्रतिज्ञा। इनमें अंतर क्या है उसके बारे में बात कर लेंगे। जो शपथ होती है वो भगवान ईश्वर, ऐसे गीता पे हाथ रख के कसम खाना शपथ है, भगवान की कसम खाना शपथ है, अपने धर्म ग्रंथों की शपथ खाना वो कसम खाना शपथ है। प्रतिज्ञान क्या है? प्रतिज्ञान का मतलब है जो लोग शपथ नहीं ग्रहण करते हैं, या वो हो सकता है आस्तिक ना हो, एक ये भी सेंस हो सकता है वहाँ पे, तो वो संविधान की कसम खाते हैं। आपको हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, ऐसे नमूने मिलेंगे जिसमें आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे। अफर्मेशन जो होता है उसका हिंदी प्रतिज्ञान है, ये संविधान की कसम खाई जाती है। ये यूजली इनको नास्तिक माना जाता है, और ऐसा नहीं है, आप चाहेंगे आपको ऑप्शन होगा कि आप शपथ के थ्रू शपथ लेना चाहेंगे या प्रतिज्ञान। तो इसको यूजली जब हम ऐसे पढ़ते हैं केवल, तो ओथ से ही हम लोग काम चला लेते हैं दोनों चीज़ों का, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग हैं। इसमें बात आती है किसके किसके, जैसे जितने लोगों की मैंने आपको सैलरी बताई है जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी सैलरी में एक चीज़ आप जोड़ लीजिएगा जो टू था, जो पीएम होता है और सीएम होता है, पीएम देश का, सीएम स्टेट का, इनकी कोई फिक्स सैलरी की बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कही गई है। इनको जहाँ ये मेंबर हैं, जैसे पीएम है तो एमपी होंगे, सीएम है तो एमएलए होगा, तो इनको इन्हीं के बराबर मिलती है सैलरी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि पीएम और सीएम की सैलरी के बारे में कहीं बात नहीं कही गई है। ये अपने दल के पॉपुलर नेता होते हैं, अपने दल के नेता वही बनते हैं पीएम, स्टेट में वैसा ही होता है, वो सीएम बनते हैं। इनको एमपी के बराबर पीएम को, एमएलए के बराबर सीएम को सैलरी मिलती है। इस चीज़ का आप याद रखेंगे, इस चीज़ का ध्यान देंगे। फिर आ जाती है बात शपथ की, शपथ किसके किसके शपथ की। जैसे मैं बात करूँ प्रेसिडेंट, अभी ध्यान दीजिएगा इसमें एक एक्सेप्शन है उसके बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डिप्यूटी स्पीकर आप लिख लेंगे स्पीकर, गवर्नर, फिर आप लिख लेंगे यहाँ पे एमपी, एमएलए, ये सारी और भी जजेस, हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस, उसकी शपथ की बात हो जाएगी। फिर यहाँ पे सीएजी, कैग, अटॉर्नी जनरल, ऐसे ढेर सारे पोस्ट की। इसमें क्या होगा कि जैसे बात करेंगे कि इनको शपथ कौन दिलाता है, जैसे प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है। प्रेसिडेंट जैसे ही अपॉइंट होते हैं, अपॉइंट मतलब इलेक्ट होके अपॉइंट होते हैं, अपने पद पे आते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इनको जो है सीजीआई, ये इनको शपथ दिलवाते हैं। तो आप समझने के लिए एक एरो बना देंगे, ये इनको शपथ दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलवाता है। यही एक ऐसा पोस्ट है जो शपथ के लिए एक दूसरे को एक दूसरे की जिम्मेदारी, या एक कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया कि ये इनको शपथ दिलाएंगे और ये इनको दिलाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट दिलाएगा, सीजीआई की बात हो गई है। स्पीकर को, जो स्पीकर होगा उसको प्रोटेम स्पीकर, और वैसे तो वहाँ पे प्रेसिडेंट दिलाएगा, लेकिन मैं अभी जब बात करूँगा आपको प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। आप एक बार इसको आप लिख लीजिए, तो फिर हम इसके बारे में एक बार डिटेल वे से आपको पढ़ा के फिर इसको एंड करेंगे, और जब नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको और अच्छे से बताएंगे। हाँ, तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल वे में, बस ये आपको जानने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं। तो जैसा कि अब जो जिस एक्सेप्शन की बात मैं कर रहा था, जिस अपवाद की बात मैं कर रहा था, अब उसके बारे में मैं बात करूँगा।
आपको जान के फिर ताजुब होगा कि जो तीन आप तीन नाम लिखेंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन तीनों की बात इसमें नहीं कही गई है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये मैं आपको इसलिए बताया हूँ कि आप इससे एक जनरल आइडिया लगाएंगे कि ओथ में इनका ओथ आता है, लेकिन इन इन तीनों पोस्ट की बात इसमें नहीं कही गई है। तब कहाँ कही गई है? इनके लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल में इनकी बात कही गई है। जैसे प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल, आप यहाँ पे आर्टिकल लिख लेंगे 60, आर्टिकल 69 और गवर्नर 169। ये इन तीनों लोगों के लिए स्पेशली अलग से प्रोविज़न है। बात वही है, बात यही है कि CGI को प्रेसिडेंट वो दिलाएगा, प्रेसिडेंट को CGI, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि शेड्यूल थर्ड में, थर्ड शेड्यूल में, तीसरे अनुसूची में किसके ओथ अफर्मेशन की बात नहीं की गई है, तो आपको ऑप्शन में यही देगा। हो सकता है आपको इसमें से तीन ऑप्शन देकर स्पीकर, MP, MLA, CGI, गवर्नर दे दे, तो गवर्नर आपके उसमें नहीं है। इस चीज़ को आप 3-4 स्टार बना लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटी का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस में नहीं बात कही गई। अगर अब इन तीनों को मैं हटा दूँ, आप यहाँ प्रेसिडेंट हटा दें, वाइस प्रेसिडेंट हटा दें और यहाँ से गवर्नर हटा दें, कितने लोग आते हैं? तो आप जैसे देखिए CGI की बात कही गई, CGI को प्रेसिडेंट दिलाएगा, तो ये शेड्यूल थर्ड में इनकी बात कही गई, स्पीकर की बात कही गई, स्पीकर को कौन दिलाएगा? डिप्यूटी स्पीकर। यहाँ पे वाइस चेयरमैन जो होगा राज्यसभा का, चेयरपर्सन कह लीजिए उसको, जैसे कि आपने नाम सुना है कैग, मैं पढ़ाया अभी, हो सकता है आप पढ़ लिए हों या बाकी होगा तो वो हो जाएगा कवर। कैग हो गया, सॉलिसिटर जनरल हो गया SG, अटॉर्नी जनरल हो गया AG, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, तो ऐसे ऐसे जो कुछ पोस्ट हैं उनको ओथ दिलाने का काम और उनके बारे में शेड्यूल थर्ड में कहा गया है। तो ये सारी आज थोड़ा हमने काफ़ी डेटा पढ़ा है, तो आपको समझने में अगर जहाँ भी दिक्कत हो एक बार पॉज कर लीजिएगा, उसको आराम से देख लीजिएगा। फिर से मैं आपको बता दूँ, ओथ और अफर्मेशन में ये तीन वो नाम हैं जिनकी बात नहीं कही गई है। इनके अलावा ढेर सारे मंत्रिमंडल अभी बहुत भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ पर हटा दिया तो सुप्रीम कोर्ट जजेस, SC जजेस, हाई कोर्ट जजेस, उनकी बात कही गई है। जब आपको प्रीवियस PDF प्रोवाइड कराया जाएगा तो उसमें ये सारे नाम लिखे मिलेंगे आपको, और इन ये जो है ये इसमें नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बस आपको समझने के लिए बताया था। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉलिटी के शानदार सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।